नमस्कार, मैं डॉक्टर बाल गोविंद सिंह, शिक्षा विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजनंदन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। आज की कक्षा में मैं बीएड के पेपर E10 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी खंड 2 इकाई 11 का एक विषय विद्यालय में लैंगिक असमानता और उसके कारण तथा निवारण, इस विषय पर आपसे चर्चा करूंगा और इसमें बात की जाएगी। इस समस्या को समझने का प्रयास किया जाएगा, इसका निराकरण खोजने की कोशिश की जाएगी और अगली कक्षा में इसके बाद के विषय पर चर्चा होगी। तो मित्रों, हम शुरू करते हैं। विद्यालय जाने से पूर्व विद्यार्थी छोटी आयु वर्ग में विद्यालय जब नहीं आता है तो वो अपने परिवार में तमाम ऐसी चीज़ें सीखता है जो अनौपचारिक रूप से सीखी जाती हैं। आशय यह हुआ, कहने का मेरा यह मतलब है कि विद्यालय तो एक औपचारिक संस्था है जबकि परिवार एक अनौपचारिक संस्था है शिक्षा की, और जबकि वह समाज की एक औपचारिक संस्था है। ऐसी स्थितियों में वहाँ पठन पाठन तो नहीं होता है, अनुकरण के माध्यम से कार्य व्यवहार को देखकर, समझकर या गार्जियन द्वारा या माता पिता द्वारा उसको समझाया जाता है। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि कई छोटी बड़ी चीज़ें स्कूल जाने से पहले, विद्यालय जाने से पहले विद्यार्थी सीख लेता है। अब प्रश्न ये उठता है कि विद्यार्थी बिना किसी औपचारिक एजुकेशन के, बिना किसी शिक्षक के, बिना किसी ऑब्जेक्टिव तय किए हुए, उद्देश्य तय किए हुए, बिना किसी पाठ्यचर्या के, बिना किसी अन्य उद्देश्य के, 6 साल की उम्र में विद्यार्थी एक बोली या भाषा जिसमें वो कम्युनिकेट कर सके, वह परिवार में कम्युनिकेट कर लेता है और विद्यालय में भी कम्युनिकेट कर लेता है। अपनी उम्र और अपनी आवश्यकता के अनुसार विद्यालय से, अपनी कक्षा कक्ष में अपने विद्यार्थी, अपने साथियों से, अपने शिक्षक से, माता पिता से या आसपास से, मतलब वो एक छोटा, उसके पास लगभग 100-150 शब्द का शब्द भंडार हो जाता है, उसी से अपना काम चला लेता है। अब मैं ये यहाँ यह रेखांकित करने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको इस बात से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ कि यह कैसे हो जाता है, यह तो कोई औपचारिक संस्था है नहीं। दूसरी बात कि जब विद्यालय में पहुंचता है तो हम यह बात इसलिए कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें वो सीख कर आता है। हमने यह उदाहरण आपको इसलिए बताया कि कुछ चीज़ें वह घर से ही सीख कर आता है, उसमें एक बोली, एक भाषा और छोटी मोटी चीज़ें जैसे रंगों की पहचान, आकार का पहचान, जो संबोधन के लिए शब्द होते हैं उनका पहचान, एक बड़ी बारीक चीज़ वो जानता है कि लिंग के निर्धारण, सेक्स, जैसे लड़का है तो उसके लिए संबोधन दूसरा होगा, लड़की है तो उसके लिए संबोधन दूसरा होगा, यह वह जान के आता है। अगर उसको कोई गलत संबोधित करता है तो उस पर उसका प्रत्युत्तर नहीं होता है और वो कहता है कि मेरा नाम तो ये है। तो आप ये समझिए कि उसे लैंगिक संबोधन का पता होता है, तो ऐसी छोटी चीज़ें वह जानता है। तो इन परिस्थितियों में विद्यालय को सजग रहना चाहिए कि यह विद्यार्थी जो हमारे पास आया है वह लैंगिक पृथक्करण से होकर आया है, मतलब उसको यह परिवार ने यह सिखा दिया है जाने अनजाने कि यह लड़का है और यह लड़की है। अब तो खैर तीसरा जेंडर भी आ गया, अभी उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है कि उसकी चर्चा की जाए, वो इसलिए कि वह अभी समाज के द्वारा स्वीकृत नहीं है, संविधान के नियमों कानूनों के तहत और कोर्ट के द्वारा उसको मान्यता प्राप्त हो गई है, किंतु वह समाज के द्वारा स्वीकार करने के बाद सनई सनई उसमें सुधार होगा और उसको भी समाज में सम्मिलित किया जाएगा और उस तीसरे जेंडर का या ट्रांसजेंडर का भी पालन पोषण उसी तरह किया जाएगा जिस तरह बच्चे और बच्चियों का किया जाता है। क्यों?
क्योंकि ट्रांसजेंडर तो कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई ट्रांसजेंडर है, कोई लड़का है कोई लड़की है तो उसने अपने से तय किया, तो इन परिस्थितियों में उसको एक उसके हिसाब से उसकी परिस्थिति को देखते हुए उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, उसमें समय लग सकता है। तो मेरा कहने का ये आशय कि उसके पास कई सूचनाएं होती हैं उस परिवार से, उसमें एक बड़ी महीन सूचना होती है, वो होती है कि उसके पालन पोषण के 6 साल की उम्र तक ही उसमें पृथक्करण कर दिया जाता है। लड़के को पालने का दूसरा तरीका, लड़की को पालने का दूसरा तरीका, लड़के का यूनिफॉर्म या ड्रेस दूसरे तरीके का, लड़की का दूसरे तरीके का, इवन छोटे बच्चों में तो नहीं, जब थोड़ी उम्र बड़ी हो जाती है तो उनके रहने खाने में भी अंतर हो जाता है, उनके खेल के नियमों में अंतर हो जाता है, उनके खेल अलग हो जाते हैं, उनके समूह अलग हो जाते हैं। इतनी सारी चीज़ों के साथ विद्यार्थी जब विद्यालय में पहुंचता है तो विद्यालय को यहाँ सावधानी बरतनी है कि वह जो जेंडर पृथक्करण, जिसको मेरी राय में, या और भी कुछ शिक्षाविद हैं जो इस बात को मानते हैं कि पृथक्करण जो शुरू होता है प्रारंभ से ही, वह आगे जाकर लैंगिक असमानता के लिए बहुत बड़ा रोल अपनाता है। अब इन परिस्थितियों में हमको यह समझना होगा कि यही समझ लें हम और बच्चे के अंदर जो लैंगिक पृथक्करण की प्रक्रिया परिवार ने जाने अनजाने, परिवार ने आग्रहपूर्वक उसको नहीं किया है, परंपरागत रूप से सामाजिक संस्था के रूप में परिवार को यह परंपरा मिली है जिसे परिवार आगे बढ़ाता है। कई बार उसमें कई प्रकार के परिवर्तन भी होते हैं जिसको सामाजिक चेंज कहते हैं, कई कंट्रोल भी होता है, तो उन परिस्थितियों को हमको समझने की ज़रूरत है। कहाँ समझने की ज़रूरत है? विद्यालय में। विद्यालय में अगर शिक्षक शिक्षा में हम ठीक से इन बिंदुओं पर ध्यान देंगे तो विद्यालय में जो शिक्षक आएगा उसको पता होगा कि जेंडर डिस्पैरिटी के मूल में क्या है, उसका मौलिक बिंदु क्या है। ऐसी स्थिति में जेंडर पृथक्करण को या लैंगिक असमानता को, लैंगिक पृथक्करण को रोकने का प्रयास किया जाएगा। अब आज का जो विषय है वो ये है कि विद्यालय में लैंगिक असमानता है, उन कारणों की पहचान कैसे की जाए और उसका निराकरण क्या हो, पर्टिकुलर विद्यालय प्रशासन और शिक्षक के द्वारा यह कार्य किस तरह किया जाए, आगे हम देखते हैं। इसमें वही बात हुई है जो मैंने अभी आपसे चर्चा की है। आगे देखें, विद्यालय में लैंगिक पक्षपात की पहचान। लैंगिक पक्षपात विद्यालय में शुरुआत होती है लैंगिक पृथक्करण के द्वारा। उसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण है कि आप देखेंगे कि कक्षा कक्ष में, छोटी कक्षाओं में तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि 1 से 5 तक ऐसा होता है, 5 से 6 से 8 तक भी शायद नहीं होता हो, लेकिन जो ही उसके ऊपर की कक्षाएं हायर सेकेंडरी में पहुंचते हैं बच्चे, सीटिंग अरेंजमेंट को आग्रहपूर्वक विद्यालय और शिक्षक दोनों अलग कर देते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। इतना ही नहीं, विद्यार्थी को उसके घर से यह इंस्ट्रक्शन मिलता है या परंपरागत रूप से कक्षाओं में लड़के और लड़कियों के बैठने का जो क्लासरूम मैनेजमेंट की जो व्यवस्था है वो उसमें स्वतः संचालित है, ये उसको रोके जाने की ज़रूरत है, उसको यह समझने की ज़रूरत है कि इसकी आवश्यकता क्यों है, इसका तार्किक विश्लेषण होना चाहिए, इसका वैज्ञानिक विश्लेषण होना चाहिए कि क्या हो सकता है कि हम आग्रहपूर्वक एक बैठक व्यवस्था को अपनाते हैं, कहते हैं कि लड़की इस भाग में बैठेगी, लड़का इस भाग में बैठेगा और इसको कंटिन्यू करते हैं। अब हम कंटिन्यू जब करते हैं तो हमको लगता है कि हम कक्षा कक्ष में एक डिसिप्लिन का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं और इससे हमारी कक्षाएं स्मूथली चलेंगे, क्लासरूम मैनेजमेंट बढ़िया होगा, क्लासेस बढ़िया होंगी। आपका तो उद्देश्य ये है, लेकिन उन दोनों वर्गों में, लड़कियों में और लड़कों के मन में यह संदेश परोक्ष रूप से, कई बार प्रत्यक्ष रूप से चला जाता है कि हम अलग हैं उनसे, वो हमसे अलग हैं। इसको कहते हैं जेंडर पृथक्करण औपचारिक रूप से, जो घर में पृथक्करण हुआ,
कि हमने बच्चे के पहनने की व्यवस्था दूसरे तरह के उसको ड्रेस बनवाए, संबोधन के लिए दूसरे तरह के नाम उसको लिखे या बोले गए, और भी तमाम क्रियाओं में। लेकिन ये तो अनौपचारिक था परिवार में, वहाँ कोई ट्रेंड आदमी नहीं है, वहाँ कोई ट्रेंड नहीं है, कोई शिक्षक नहीं है, वहाँ माता पिता हैं, संरक्षक है, परिवार के सदस्य हैं, उनको इस तरह की ट्रेनिंग नहीं है, वो तो परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, तो उनको नहीं पता है ये सूक्ष्म चीज़ें। लेकिन परिवार के इतर विद्यालय में तो शिक्षक को ट्रेंड किया जाता है, बताया जाता है कि लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करें और लैंगिक असमानता को रोकें, कम करें। ऐसी परिस्थितियों में विद्यालय भी वही काम कर रहा है जो परिवार किया था। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं से, हो सकता है ये हर जगह नहीं होता, और जितना मैंने देखा है, जितना मैंने समझा है, उतना तो मुझे पता है कि मैं छोटी कक्षाओं से लेकर हायर एजुकेशन की कक्षाओं तक मैंने ये देखा है कि जेंडर पृथककरण के द्वारा, लैंगिक पृथककरण के द्वारा जेंडर डिस्पैरिटी को बढ़ावा दिया जाता है। यह आग्रहपूर्वक नहीं हो सकता है, इसको मैं फिर से बता दूं, आग्रहपूर्वक नहीं होता है या बिना जानकारी के होता है। इन्हें शिक्षक को नहीं पता होता है, विद्यालय प्रशासन को नहीं पता होता है, या पता होता है तो परंपरा निर्वहन के नाम पर विद्यालय प्रशासन या शिक्षक इस कार्य को करता है। आप देखें कि उस पर हम चर्चा करेंगे कि कौन ये 4-5 बिंदु हैं जिसको देखने से समझ में आता है कि यह क्रियाएं नहीं होनी चाहिए। जब ये क्रियाएं नहीं होगी, जैसे पहला है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संपादन हेतु जो समूह बनाया जाता है, उसमें लड़कियों का समूह और लड़कों का समूह दोनों हम अलग अलग बनाते हैं, और उसके लिए हमारे पास तर्क ये है कि श्रम साध्य कार्य हम बच्चों को देते हैं, उनको मान लेते हैं, वो 8वीं का ही बच्चा हो, 6वीं का बच्चा हो, 3री कक्षा का बच्चा हो, 4थी कक्षा का बच्चा हो, वह दोनों में कौन सा ऐसा श्रम साध्य कार्य विद्यालयी सहक्रियाओं में होगा कि लड़की नहीं कर पाएगी, लड़का करेगा। लेकिन हम समूह जब बनाते हैं, जब शिक्षक समूह बनाता है, तो लड़कियों का समूह अलग बना देगा, लड़कों का समूह अलग बना देता है। अब उनको लगता है, लड़कियों को लगता है कि हम केवल रंग रोगन और सौंदर्य संबंधी कार्य कर सकते हैं, श्रम साध्य कार्य बच्चे कर देते हैं। ये जब परंपरा अनवरत चलती रहती है विद्यालय में, मतलब हमेशा चलती रहती, कक्षा 3 में चली, 4 में चली, 5 में चली, 7 में चली, 8 में चली, 6वीं में चली, तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थी के मन में जाने अनजाने यह बात बैठ जाती है कि हम यह काम कर सकते हैं और लड़का यह काम कर सकता है। अब यह शिक्षक ने किसी प्रकार का आग्रह इसमें नहीं अपनाया, केवल परंपरा को आगे बढ़ाया, लेकिन उसके विषय में उसने तार्किक रूप से नहीं सोचा कि यह जेंडर डिस्पैरिटी को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि किसी न किसी रूप में जेंडर पृथककरण हम कर रहे हैं। दूसरा बिंदु है कक्षा कक्ष की बैठक व्यवस्था में परंपरागत पालन हेतु पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाना। अब इसको पक्षपात कहें या परंपरा का निर्वहन करें, लेकिन उसकी चर्चा मैंने किया कि यह दो भागों में बच्चे और बच्चियां बैठती हैं, और कक्षा छोटी कक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक, हायर एजुकेशन तक यह अरेंजमेंट कंटिन्यू है, चल रहा है। इस पर कभी किसी ने नहीं सोचा। अभी हाल की घटना मैं आपसे चर्चा करूं, मैं संजोग ही बस किसी काम से दिल्ली यूनिवर्सिटी गया था, वहाँ चर्चा मेरी हुई, तो मैंने यह बात रखी उन लोगों के सामने, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि जो सामने मेरे लोग बैठे थे उसमें, यह सौभाग्य ही था मेरा या कि यह संयोग ही था कि उसमें सारी महिलाएं ही थीं, और उन्होंने वो अलर्ट हो गई मेरी बात सुनकर। मैंने कहा कि क्यों टैगिंग करते हैं आप, छोटी कक्षाओं से लेकर उच्च शिक्षा तक क्यों टैगिंग करते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट को क्यों नहीं स्वतः होने देते हैं, उसके लिए फोर्सफुली या आग्रहपूर्वक उसको करने की क्या जरूरत है कि लड़की यहाँ बैठेगी लड़का वहाँ बैठेगा। तो उन्होंने कहा इस तरह तो हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं, मुझे लगता है सोचने की आवश्यकता है। मैंने उनको कहा भी कि इस तरह सोचने की आवश्यकता है, केवल कागजों पर जेंडर डिस्पैरिटी लिखने से जेंडर डिस्पैरिटी नहीं खत्म हो जाएगी और एक महिला और पुरुष में समानता नहीं आ जाएगी। इसको हमें विद्यालयों में, विद्यालयों के बाहर, समाज में और भी संस्थानों के द्वारा, शोध संस्थानों के द्वारा,
हमको उन्हें उन महीन बिंदुओं को समझना होगा जिससे हम करते तो नहीं, हमको लगता है कि हम कर नहीं रहे लेकिन होता है। तो इन चीज़ों से बचने का हमको देखना चाहिए कि सीटिंग अरेंजमेंट, जो बैठक व्यवस्था है, वह परंपरा के नाम पर उसको आगे बढ़ाने के नाम पर इस तरह नहीं करना चाहिए। तीसरा बिंदु है पाठ्यचर्या के पाठ्यवस्तु के चयन में जाने अनजाने पक्षपात करना। अब आप देखें कि पुस्तकें हमारे सामने छोटी कक्षाओं की 1 से लेकर 12वीं तक जो आती हैं उसमें जो पाठ्यवस्तु का चयन होता है अनुसंधानों और शोध के द्वारा, यह एक फैक्ट आया है, तथ्य आया है कि 70% जो कंटेंट होते हैं वह पुरुष से संबंधित कंटेंट होते हैं, मतलब विषय वस्तु होती है, और 30% जो होता है वो लड़कियों से या महिलाओं से संबंधित होते हैं, विषय वस्तु होते हैं। विशेष रूप से भाषा की पुस्तकों में और सोशल साइंस की पुस्तकों में उदाहरण, दृष्टांत, घटनाएं या इस तरह के और भी तमाम विषय वस्तु जो हैं वह पुरुषों और महिलाओं में इस तरह असंतुलित रूप से बंटा होता है। अब बड़ा एक क्रूशियल विषय है, अभी से इसको सजग हो जाने की आवश्यकता है कि जब हमने तीसरे जेंडर को स्वीकार कर लिया, उसको वैधानिक मान्यता मिल गई, कानून से उसको मान्यता मिल गई, समाज में देर सवेर उसको स्वीकार कर लिया जाएगा इस परिवर्तन को, तो उन परिस्थितियों में हम उनको उनसे संबंधित विषय वस्तु अभी से पाठ्यचर्या में सम्मिलित करें, नहीं तो डिमांड करने पर सम्मिलित करेंगे तब तक देर हो जाएगी, फिर वो असंतुलित हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमको ध्यान रखना चाहिए कि जब पाठ्यचर्या के निर्माण हेतु हम विषय वस्तु का चयन करते हैं, पाठ्य वस्तु का चयन करते हैं, तो उसमें लड़के और लड़कियों से संबंधित और मैं तो कहूँगा कि तीसरे जेंडर से भी संबंधित विषयों को सम्मिलित करना चाहिए जिसमें संतुलन बना रहे। कई बार ये दिक्कत हो सकती है कि उतनी पाठ्य वस्तु नहीं मिले, वो इसलिए नहीं मिलेगी कि उतनी एक्टिविटीज़ सोसाइटी में, उतने एक्टिविटीज़ में जब ये इस लिंग के लोग, महिला, लड़की और ट्रांसजेंडर, उनकी भागीदारी नहीं होगी तो विषय वस्तु वहाँ से हमको नहीं मिलेंगे। लेकिन हमको प्रयास करना चाहिए कि उन विषय वस्तु को किसी तरह सम्मिलित करें। जब यहाँ सम्मिलित करेंगे हम तो समाज में भी वो उनकी भागीदारी बढ़ेगी और विषय वस्तु वहाँ से भी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखना चाहिए चयन के संबंधी, पाठ्य वस्तु के चयन के विषय में। आगे का बिंदु है कक्षा कक्ष प्रबंधन में भाषाई पक्षपात। यहाँ यह कहने का आशय है कि जब हम कक्षा में बच्चों को, विद्यार्थियों को, सीटिंग अरेंजमेंट की मैंने बात कर ली, कंटेंट की बात कर ली कि जो उसमें है, तो अब रही बात कि जब शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया प्रारंभ हुई उस समय शिक्षक बड़ा इम्पॉर्टेंट भूमिका में होता है और दूसरे नंबर पर तो नहीं, बराबर में ही विद्यार्थी होता है, दोनों एक लेवल पर होते हैं, एक कहता है दूसरा सुनता है, दोनों की सहभागिता से पाठ का विकास होता है और कक्षा आगे बढ़ती है। हम ध्यान देंगे कई बार हम जब विद्यार्थियों को संबोधित करते हैं तो किसी एक वर्ग की तरफ, क्लास में किसी एक विद्यार्थी को पिन पॉइंट करके, किसी एक समूह को पिन पॉइंट करके हम जब उस तरह का संबोधन करते हैं और बार बार उसी विद्यार्थी को या उस समूह से विद्यार्थियों को बुलाते हैं, तो दूसरा वर्ग जो विद्यालय में होता है, दूसरा साइड जो ड्राई जोन हो जाता है, 50 मिनट की क्लास में, 45 मिनट की क्लास में आपने उधर देखा ही नहीं या कम देखा, ऐसी स्थिति में वह विद्यार्थी मान लेता है कि हमारे साथ पक्षपात हो रहा है। हो सकता है कि यह जेंडर आधारित पक्षपात नहीं हो या वैयक्तिक रूप से किसी प्रकार का पक्षपात हो, जैसे किसी विद्यार्थी से आपका ज़्यादा स्नेह है, या हो सकता है उत्तर ही ज़्यादा दे रहा है जो आपको प्रभावित कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में बार बार उसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, दूसरा वर्ग जो है वो छूट रहा है, तो इन परिस्थितियों को शिक्षक को बचना चाहिए। ऐसी स्थिति में यह हमेशा सोचना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति न हो
और हम इस तरह की का कोई चिन्ह नहीं छोड़ें कक्षा में, जिससे कक्षा का एक भाग अपने को तिरस्कृत समझे और दूसरा भाग अपने को ये समझे कि नहीं हम ही से सर पूछ रहे हैं या मैडम पूछ रही हैं। तो वह तो यह भी एक जेंडर पृथक्करण का, उसमें हो सकता है कि दो समूहों का ही पृथक्करण हो जाए, लेकिन जब जहाँ दो समूहों का पृथक्करण हो रहा है वहाँ जाने अनजाने जेंडर का भी लैंगिक पृथक्करण भी होता है। आगे का बिंदु है पाठ्यचर्या निर्माण में पक्षपात करना, इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। फिर है विद्यालय में परंपरागत लैंगिक पक्षपात को आगे बढ़ाना, यह विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। अब हम इस विषय को, होता क्या है कि इसी तरह तो बच्चे और बच्चियाँ बैठते आए हैं, उसी को हम अगले साल भी कंटिन्यू करेंगे, उसके अगले साल भी कंटिन्यू करेंगे, वर्षों से जो हो रहा है उसको वर्षों तक करते रहेंगे, यह तो कोई विषय है नहीं। एक विद्यालय एक ऐसी संस्था है जहाँ जो भी काम होगा उसका तार्किक विश्लेषण और वैज्ञानिक आधार होगा, उसके आधार पर हमको आगे बढ़ाने की जरूरत है। लैंगिक पक्षपात में असमानता को कम करने के लिए हमें परंपरा के नाम पर उन सारे चीज़ों की का विश्लेषण करना चाहिए जो परंपरा के रूप में चल रहे थे। अगर वो सही हैं तो उनको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर नहीं सही हैं तो उसमें संशोधन या परिवर्तन, अगर आवश्यकता है तो परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो हमने पहचान कर ली यहाँ चार पांच बिंदुओं की, अब आगे देखेंगे कि उनका निराकरण क्या है। एक इस पूरी प्रक्रिया के लिए जो अगला बिंदु है हमारा, विद्यालय में लैंगिक पक्षपात के निवारण के उपाय। हम जब इस बिंदु पर बात करते हैं तो शिक्षक हमें प्रथम दृष्टया दिखाई देता है कि जो यह बात हम कर रहे हैं कि लैंगिक असमानता को या जेंडर की असमानता को या जेंडर के पक्षपात को विद्यालय प्रशासन के द्वारा, विद्यालय विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा या अन्य कोई किसी क्रियाकलाप के द्वारा जाने अनजाने हम परंपरा के नाम पर इसको आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं, इसकी बात मैंने पीछे की है। अच्छा, इस बात की एनालिसिस एक शिक्षक को करना है। अब शिक्षक तब करेगा जब उस सूक्ष्म बिंदु को वो जान रहा होगा, तब तो बात आएगी कि वह कैसे जानेगा। वह तो जानेगा शिक्षक शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि उसके पहले भी तो उसको शिक्षा शिक्षा में जो उसने टीचर एजुकेशन की जो ट्रेनिंग ली है उसके पहले उसे भी तो नहीं पता था इतनी महीन चीज़ें। तो यदि वहाँ वो चीज़ें उसको बताई जाएंगी, उसकी तरफ उसका ध्यान आकृष्ट किया जाएगा, तो इस परिस्थिति में जब विद्यालय में वो शिक्षक आएगा तो इन चीज़ों पर उसकी दृष्टि जाएगी कि कक्षा कक्ष की बैठक व्यवस्था, बच्चे बच्चियों के कार्य का जो वितरण है उसमें परंपरा को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, या और भी पाठ्य से आगे आगामी क्रियाओं में किस तरह का समूहन करना है, मतलब ग्रुप बनाने हैं, यह चीज़ें तो इसको वहाँ बताई जाएंगी, जिसके कारण वहाँ बताए जाएंगे कि आपको यह क्यों बताया, तब वो आकर विद्यालय में उसको संपादित करेगा। अगर वहाँ नहीं होगा, शिक्षक शिक्षा में यह कार्य नहीं होगा, तो विद्यालय में धीरे धीरे जानने समझने की बात शायद हो जाए, लेकिन शिक्षक के द्वारा उसको संपादित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह विद्यालय में अनुभव के द्वारा नहीं सीखता है। तो हमको शिक्षक शिक्षा को ठीक करना पड़ेगा अगर विद्यालय को ठीक करना है तो। इसकी मतलब ये खामियां जो हैं शिक्षक शिक्षा के महाविद्यालयों की या ट्रेनिंग सेंटर्स की खामियां जो हैं वो छोटे बच्चे और कक्षा कक्ष में एक तरह से देखें तो पूरा समाज ही जेंडर डिस्पैरिटी के नाम पर उसको भुगत रहा है। वो इस तरह भुगत रहा है कि हमने समाज के आधी आबादी को अभी भी मेन स्ट्रीम में हम लाने के प्रयास में हैं। हम सभ्य समाज के लोग हैं, प्रगतिशील समाज के लोग हैं, लेकिन हमारी आधी आबादी तमाम संवैधानिक प्रावधानों के बाद
अभी भी मेन स्ट्रीम में नहीं है। तो वो क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि हम उसके साथ जेंडर पृथक्करण की प्रक्रिया अपनाकर परंपरा के नाम पर उसको आगे बढ़ाते गए और वो इस स्थिति में पहुंची कि पुरुष आगे बढ़ता गया और महिला पिछड़ती गई। इससे केवल महिला का नुकसान नहीं हुआ और पुरुष का फायदा नहीं हुआ, यह विषय ही नहीं है। विषय यह है कि हमारी आधी ऊर्जा जो थी वह कार्य करने के लिए उससे वो काम लिए गए जो काम कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकता है, महिला भी कर सकती है, लेकिन हमने वह काम उसको असाइन कर दिए कि और कह दिया कि यही काम आपका है। अब उसके ब्रेन का प्रयोग, हमने उसकी प्रगति का प्रयोग, उसके उसकी जो बौद्धिक क्षमता है उसका प्रयोग हमने बढ़िया दुनिया बनाने में नहीं किया। कुछ देशों ने किया भी है, जो आज डेवलप्ड कंट्री है वहाँ महिला पुरुष में बराबरी है, उन लोगों ने इन चीज़ों वह समाज भी इन चीज़ों से गुजरे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय समाज या दक्षिण एशियाई समाज या तीसरी दुनिया के देश ही इन परिस्थितियों से, ऐसा नहीं है। वह पूरी दुनिया ही इस चरण से गुजरी है कि उन्होंने महिलाओं के साथ पक्षपात किया है और पुरुषों को सारे अधिकार दिए हैं। सनई सनई उसमें परिवर्तन हुआ है। ज़रूरत यहाँ भी है, भारतीय समाज में भी है, दक्षिण एशियाई समाज में भी है, तीसरी दुनिया के देशों में भी है, या विकासशील देशों में है, या गरीब देशों में है, जहाँ संसाधनों की कमी है, उन संसाधनों का जो वितरण है वो महिला और पुरुष में दोनों में उनकी संख्या के आधार पर उसे किया जाना चाहिए। उनके अधिकारों को, जो उनके संवैधानिक अधिकार हैं, जो उनके व्यावहारिक अधिकार हैं, जो उनकी वैयक्तिक आवश्यकता है, उसको ध्यान में रखकर उसको किया जाना चाहिए। और ये होगा तब जब उनको विद्यालय में इन चीज़ों से बताया जाएगा कि ये चीज़ें होनी चाहिए। आगे देखते हैं हम कि निवारण के क्या उपाय हैं। ये पाठ्य से आगामी क्रियाओं के संपादन में जब हम समूह बनाए तो यह मान के नहीं चले कि लड़की यह काम परंपरागत रूप से करती है और लड़का यह काम कर। जब हम ग्रुप बनाए तो रैंडमली ग्रुप बना दें, या आपके पास, आपके से मतलब है मेरा कि शिक्षक के पास या विद्यालय का की एक्टिविटी जो भी वो संपा जो भी व्यक्ति संपादित कर रहा है, महिला पुरुष शिक्षिका या शिक्षक जो भी कर रहा है, उसके पास एक तार्किक आधार होता है, उसकी उपस्थिति पंजिका या नामांकन पंजिका, जिसके आधार पर कई और तरीके हैं, मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, कई और तरीके हैं जिससे समूह बनाए जा सकते हैं। ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस परंपरा का निर्वहन को थोड़ा हतोत्साहित करना चाहिए कि लड़की ये काम कर लेगी, लड़का ये काम। ऐसा ग्रुप बनाए जिसमें लड़के लड़कियों की दोनों की सहभागिता हो और उस कार्य को संपादित कराएं, तो उनके मन में जो परंपरागत रूप से यह बात बैठी हुई है कि नहीं यह काम लड़का कर सकता है, यह काम लड़की कर सकती है, तो पहला बिंदु है कि पाठ्य से आगामी क्रियाओं के संपन्न कराते समय हमको जो ग्रुप बनाते हैं, जो समूह हम बनाते हैं, उसमें जेंडर का ध्यान रखा जाना चाहिए। दूसरा है बैठक व्यवस्था, जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ, उसके लिए भी हमको देखना चाहिए कि इस जेंडर पृथक्करण के द्वारा हमने बच्चे और बच्चियों के मन में यह बात एकदम स्थापित कर दी है, छोटी कक्षाओं से लेकर बड़ी कक्षाओं तक, कि हम दो लोग हैं। बीइंग ए पर्सन मतलब व्यक्ति के रूप में हमारी अलग अलग पहचान है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। केवल प्रकृति ने अपनी आवश्यकता अनुसार ने दो शारीरिक लक्षणों के साथ एक ही व्यक्ति को दो तरह का बनाया है, अब तो तीसरे तरह का भी बनाया है। वह प्रकृति की आवश्यकता थी, हमने उस शारीरिक लक्षणों को आधार बनाकर दो अलग अलग समूह बना दिए और उन समूहों के अधिकार और उत्तरदायित्व निश्चित कर दिए।
उन्हीं चीज़ों को कम करना है ताकि दुनिया समरस हो सके और सबकी क्षमता का, सबकी बौद्धिक क्षमता का, सबकी शारीरिक क्षमता का और सबके टैलेंट का इस बढ़िया दुनिया को बनाने में हम प्रयोग कर सकें। तीसरा है कक्षा कक्ष में संबोधन, जिसकी बात मैं पहले भी कर चुका हूँ। होता क्या है कि मान लीजिए हम विद्यार्थी जो है शिक्षक वो शिक्षण सहायक सामग्री जिसको TLM कहते हैं अंग्रेजी में टांगना है तो प्रायः लड़कों को बुलाता है कि इसको टांग दीजिए, इसको उतार लीजिए। पाठ के विकास में प्रश्न पूछता है तो एक खास वर्ग से नहीं पूछता है, दूसरे वर्ग से पूछता है। हो सकता है कि ये सनी सनी कम हो गया हो लेकिन यह परंपरागत रूप से कक्षा में है तो उसको कम करना चाहिए। मतलब पाठ के विकास में रैंडमली सभी बच्चों की सहभागिता को शिक्षक के द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए, उसको सहभागी बनाना चाहिए पाठ के विकास की प्रक्रिया में। मतलब शिक्षण अधिगम में ही इसको ध्यान रखना चाहिए कि सभी बच्चे, पूरी कक्षा आपकी जो है उसमें सम्मिलित हो। तीसरा बिंदु है पाठ्यचर्या में भाषाई भेदभाव। अब पाठ्यचर्या के चयन की बात हमने किया कि हमको पाठ्यचर्या में 70% से ज़्यादा जो विषय होते हैं वह उससे मिलते हैं हमको पुरुष संबोधन से। कई बार कक्षा जो पाठ्यचर्या में जो टेक्स्ट लिखा है उसमें करता है लिखा रहता है, करती है नहीं लिखा रहता है। मतलब लड़की भी उसको पढ़ रही है, लड़का भी पढ़ रहा है लेकिन वो संबोधित किया गया है लड़के के द्वारा। हो सकता है कि उसको आप लिख करके करता है और करती है दोनों लिखा जाता तो दोनों के लिए पाठ बन जाता। तो इस प्रकार का भाषाई पक्षपात एक शोध के अनुसार ये पता चला है कि कक्षाओं जो पाठ्य वस्तु है उसमें संबोधन की शुरुआत प्रायः पुरुषवाचक और वो कई बार 70-80% भी होती है तो उससे बचना चाहिए, उसको बच के और ऐसे कंटेंट को या संबोधन को, शिक्षक द्वारा संबोधन को या भाषाई कंटेंट को हमको इस तरह से वितरित करना चाहिए कि उसमें संतुलन बना रहे। फिर अब पाठ्य सामग्री के अकारण ही उसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ। आगे देखते हैं कि हमने आज कक्षा में, अभी इस पर बात करेंगे उसके पहले उन दोनों विषयों पर बात कर लेते हैं कि यह 4-5 बिंदु हैं, जैसे कि बैठक व्यवस्था को आग्रहपूर्वक नहीं उस तरह को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हमको पाठ्यचर्या के निर्माण में भाषा का और विषय वस्तु का ध्यान रखना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए समूह बनाते समय समलिंगी समूह न बनाकर विषमलिंगी समूह बनाना चाहिए और इसी तरह की और भी चीज़ें हैं। तो हम देखें आज की हमने बात की कक्षा विद्यालयों में लैंगिक असमानता दूर करने के लिए हमने जो बात की है कि वो कौन से कारण हैं जिससे लैंगिक असमानता होती है और उसके उपाय निराकरण के क्या उपाय हैं। लैंगिक असमानता के लिए मैंने आपसे शुरू में बात की कि अनौपचारिक संस्था है परिवार एक, जिसके द्वारा बच्चे को कुछ सामान्य सी चीज़ें बताकर भेजी जाती हैं जिसमें जेंडर पृथककरण और लैंगिक संबोधन संबंधी जानकारियाँ होती हैं। दुर्भाग्यवश परंपरा के नाम पर विद्यालय भी उसको आगे बढ़ाता है और बैठक व्यवस्था के माध्यम से, संबोधन के माध्यम से, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से और भी तमाम ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिससे विद्यालय उसी लैंगिक पृथककरण को आगे बढ़ाता है जो असमानता को, लैंगिक असमानता को बढ़ावा देता है। उसके कारणों के निवारण का हमने जो आपसे जो चर्चा की उसमें हमने बताया कि आप आग्रहपूर्वक बैठक व्यवस्था नहीं अपनाएं, आग्रहपूर्वक पाठ्य सहगामी क्रियाओं का समूह नहीं बनाएं और ये जानबूझकर कक्षा कक्ष में कुछ इस तरह के कार्य नहीं वितरित करें। मतलब पाठ विकास में सहभागी केवल लड़के और लड़कियों को अलग अलग रूप से, जैसे शिक्षक महिला शिक्षक है तो उसके लड़कों को बुलाया जाना, पुरुष शिक्षक है तो उसके द्वारा लड़कियों को बुलाया जाना, या
पुरुष शिक्षक है तो लड़कों को ही बुलाया जाना और लड़कियों को ही पाठ्य सहभागिता में बार बार, तो इस तरह का कि जेंडर डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। और भी कई चीज़ें हैं जिसका, और परिवार को भी, विशेष रूप से परिवार के लिए बात तो नहीं हो रही है, लेकिन परिवारों में भी जिस तरह लैंगिक पृथक्करण का काम बहुत छोटे बचपन से, उनके कपड़े अलग हो जाते हैं। अब आप ये समझो कि दो में एक महीने की बच्ची पैदा हुई है, जो एक महीने की जिसकी आयु है, उसके भी लड़के दूसरे तरह के कपड़े डिजाइन हो रहे हैं और लड़कों के कपड़े दूसरे तरह के डिजाइन हो रहे हैं। इसकी कौन सी वैज्ञानिक, इसका कौन सा वैज्ञानिक तथ्य जिसके आधार पर हम बचपन से ही पैदा होते ही ये पृथक्करण शुरू कर दिए और आगे चलकर हम कहते हैं कि लैंगिक समानता होनी चाहिए? यह तो बड़ा इस तरह का एक विचार है और इस तरह का एक क्रियाकलाप है जिस पर हमको फिर से सोचने की जरूरत है। आवश्यकता ही नहीं है, तुरंत पैदा हुए बच्चे के लिए अगर कपड़े खरीदने आप जाए तो मार्केट में जो आदमी आपको कपड़ा देगा वह लड़की के लिए दूसरा देगा, लड़के के लिए दूसरा, इवन रंग की भी पहचान अलग अलग है, उसके लिए दूसरा देगा, इसके लिए तीसरा देगा, उसको खिलौने में वो ले आएगा, गुड़िया ले आएगा, इसको खिलौने में बंदूक ले आएगा। यह किस तरह का पृथक्करण है, यह किस तरह का पालन पोषण है? या स्कूलों में भी जो हम बच्चों के प्ले स्कूलों को आप देखेंगे तो उसमें भी इस तरह की व्यवस्था है। इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मित्रों, आज हमने लैंगिक असमानता के कारण और निवारण तथा उसके पहचान की चर्चा की है। आपने इस पाठ को ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में इसके आगे की बात करेंगे। धन्यवाद सर।